नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्धिस्ट समुदाय के टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके अगली रात ऐसे कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ये कार्यक्रम आप हरेक सोम के ऐसे हरेक मंगल के ऐसे हरेक बुध के ठीक इतने समय से देख सकल ते हमन के समाज के विकृति विसंगति ऐसे हमन के समाज के चाचरण का बा और हमन के संस्कृति का हो ओके हमरे कैसे बचा सके यानी कि जो लोप होते जात बा। आजकल हमरे जो नया प्रविधि के विकास संग्रह कुछ विकास के क्रम में फड़को मारल गिल बा बकिन का पहले के जो संस्कृति बा कितना संस्कृति जोन बा ओमा कुछ विकृति बा और हमरे विकृति हटा के जो असल सभ्य समाज निर्माण करे परी ई सोच में हमरे कैसे समाज बढ़िया बना सके इस संबंध में हमारे चर्चा कर जात और हमने के ऐसने तमाने विषय में चर्चा करते और हमरे अपन जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करे थे अति हमरे जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के विचार आदान प्रदान कर जाते। आज हमरे एक अतिथि के न्यौता धर के लिए वहाँ एक समाज सेवी ऐसने तिरुत्मा नगर पालिका और नंबर 10 में अवस्थित गरिमा टोल विकास संस्था के अध्यक्ष होने जो कि यह महीना के यानी कि ठीक बिहान हमरे मंगल के जो है एक ठू हमारे कहा जाए कि पहले से चलत आयल एक ठू पर्व हमारे मनाए जाते तजिया कहीं के हमारे कहा जाते तजिया के मेला भी संपन्न हो जात बा। इस संबंध में हमारे विशेष कहीं के चर्चा करेंगे और बैठे हम लग आज कलम बहादुर चौधरी जो कि गरिमा टोल विकास संस्था के अध्यक्ष होने यानी कि एक समाज सेवी हमारे वहाँ से लेके बातचीत करे और अभी संगरी सातल जी ये कार्यक्रम अधिभार अति कार्यक्रम में हमारे आपकी स्वागत कर जात बा। नमस्कार। अति वैसे आप गरिमा टोल विकास संस्था के अध्यक्ष रह बा एक समाजसेवी ते वैसे जो हमने के ठीक बिहान यानी कि मंगर के ये भाद्र 24 गते मंगर के तो वैसे ते तमाने जगह में जो है तजिया के मेला हमरे के चिन्ह करबला पर जो सिरवाने पहले से चलत आल एक ठू परम्परा अनुसार के वैसे हमरे कहा जाते एक ठू ऐतिहासिक पर भी हमरे कही सकल जी ते इस संबंध में जो है बिहान हमरे कितना दिन के मुँह से सुने के मिलल बा ते आपके गरिमा टोल विकास संस्था में जोन बिहान कौन रूप से तजिया मेला संपन्न हो जात बते। नमस्कार। हम गरिमा टोल विकास संस्था तिलोत्तमा नगर पालिका वड़ा नंबर 10 ब्यौरा के अध्यक्ष कलम बहादुर थारू बोलत बाटी। ये जोन आप प्रश्न कल गए तजिया के मेला खास करके मुहर्रम मेला के नाम से परिचित बा एकर अपने एक ठो इतिहास बा। परा पूर्व काल से हमन के पुरखा लोग पूर्वज लोग से चलत आयल एक ठो परंपरा एहमे एक ठो आस्था विश्वास के कारण तजिया के महत्व भइल बा आ यहाँ हमरे एक अनुसरण कइल जात बा। एहमे विभिन्न अब पहले के समय जौन रहल ओके अपने अपने तरीका से पहले जो मनावत हन उसे तनिए के स्वरूप परिवर्तन भइल बा काहे से अब आधुनिकता के कारण पहले के एकर अपने किस्म के नाच रहल बाजा बनाए के तरीका एकर परिकार हरेक अपन अपन एकर अलगे किस्म के पहचान बा। जैसे वैसे हमरे कहा जी कि जैसे अब एक तजिए के मेला कितना जन के मुँह से सुने मिलत कि जो एक मुस्लिम धर्मावलंबी लोगन के मनाने एक चाड पर्व हो ते में आप का कह सकल जीते। हाँ ये खास कह के मुस्लिम के धर्मावलंबी के चाड हो लेकिन खास कह के एकर इतना ही प्रभावकारी चाड हो कि हिंदू लोग के एकदम आस्था के रूप में अपन जैसे कौनो हमन के भाकल कहल जाला। हाँ। भाकल मनौती कह के हमन के पुरखा लोग ओसे कुछ विश्वास आस्था पहिने ऐसे ओके निरंतरता देत आज चलिए न तो हमन के पुरखा लोग। हाँ। जोन चीज कह के आयल बाटे उन्हन के हमरे निरंतरता दे के ओके और हमन के आस्थावान बनाइल जाए कह के हमन के सोच हो ऐसे। हाँ। हमन के एठू और आत्मविश्वास का बा हम के एठू जानकारी करावल चाहती तजिया बनाला कैसे। हाँ। ऐसे हमन के एठ कहावत बा थारू में कहन एठ कहावत हमन के
काबा की जैसे एक बुझक्कड़ एक फूल गजभारा एक फूल गजभारा नौसे पंडित हारा एक फूल गजभारा नौसे पंडित हारा एक बुझक्कड़ तुलसीदास उहो बुझलें कार्तिक मास। एकर अर्थ का हो कि कोनो एठू प्रश्न पूछ दहलस कि एक गज के फूला कौन रहला विद्वान लोग ओके नाई बता पहिने नौ से पंडित नाई बता पहिने लेकिन एक ठू पंडित रहने तुलसीदास महात्मा उ बुझने लेकिन उहो कब बुझने कार्तिक मास में जब मूजा फूलाला नहीं हमन के जौन मूजा कहल जाला थारू लोग ढकिया मौनी बनावने उहे मूजा फूलाइल कार्तिक मास में तब जाके वो बुझने तो उही के खड़ाई से तजिया बनाला इतना एकर महत्व देखल जा थारू से संबंध ढकिया मौनी भइल आ उ खड़ाई से तजिया बनल। हाँ तेजी से हम कथी हो कि जो एक हमारे मूजा के खड़े कहा जाता है मैंने डांट हमारे कहा जा नहीं अब वैसन रूप से कहा जी एक पेड़ कहा जा हमन के तो वैसे जो एक मूजा के जो खड़े से बनला तो वैसे हमन के एक समय अनुसार आजकल देखा जी कहीं मिले वाला नहीं बा ते वैसे अब जो जे तजिया बनात बा वो कौन महीना में एक जैसे काट के यानी कि कहीं से तारीख कर में लगने थे। अब जैसे अब हम कह दिली कार्तिक मास में एकर उत्पादन होला अभी नु हरा भरा बा अभी नहीं फुलाइल बा कार्तिक मास में फुलाई वो मंगसीर में ओके काट के जे श्रद्धालु बाटे वो पहले से ओकर व्यवस्था कैके ओके बाकायदा बना के तब रखले रही है। अब तो देखल जा फिर नया परंपरा का आ गई नया नया आधुनिकता ओके अभी अल्मुनियम के और प्रविधि से भी बनावा था मैं लेकिन अकर वास्तविक निर्माण अस्तित्व जो बा वो मूजा से हो तो ऐसे एकर महत्व बा एकर परिकार में भी देखल जा एठू हमन के थारू समाज में पुरखा लोग मलिदा जे के नाम बा मलिदा कैसे बनाला दूध चीनी और रोटी से दूध उमाल के ओके चीनी डरिए ओके रोटी पका के तोड़ तोड़ के ओके उमे डाल के वो मलिदा वो तजिया के मुहर्रम के परिकार हो और ओकर बाजा के रूप में हमरे का लिहल गईला स्पेशल ओकर बाजा का हो ताशा जबकि इहे मौसम में बजी और समय में नहीं से मादल होला मादल हरेक उसी में बजी लेकिन ताशा कहल के इहे मौसम में बजी धौसा जहाँ जेकर सेट हो और एकर रोचक विषय का हो मुहर्रम के जैसे पृथ्वी घूमा था पृथ्वी सुल्टो घूमा था लेकिन एक रियलिटी तजिया के जौन सिस्टम बा वो उल्टा घूमाला तीन तीन महीना में तीन तीन वर्ष में सॉरी तीन तीन वर्ष में एक रोटेशन होला प्रत्येक तीन वर्ष के बाद में ये उल्टा महीना जैसे भाद्र में भाद्र के बाद में तीन वर्षक बाद में असो शुरुआत हो भाद्र के पहला वर्ष हो तीन वर्ष के बाद में फिर श्रावण में जाइ तो एकर मेन उद्देश्य एकर मेन बुझे वाला चीज में ई बा एकर बिहान आप मंगल के दिन जो 24 गते हमरे कहल जी कि एटू तजिया हमरे समापन कहल जी ते वैसे जो बिहान तीन बजे प्रदर्शन करे सोचल गेल बा हमन के एकर लिए विधिवत औपचारिक कार्यक्रम रखल गेल बा अब समय सापेक्ष अनुसार एठू औपचारिक कार्यक्रम यहाँ के भद्र भलादमी अतिथि यहाँ के संपूर्ण हमन के जैसे 10 नंबर ओड़ा छिमिकी ओड़ा 11 12 17 और 7 के संपूर्ण भद्र भल आदमी महिला पुरुष ओन्हन के एठू भेला कैके एठू औपचारिक कार्यक्रम कैल जाता उकर मुख्य उद्देश्य का हो उकर कार्यक्रम के नामे हम का रखले हैं कि ऐतिहासिक झर्रा प्रदर्शन कार्यक्रम हमन के सबके निर्णय के हिसाब से वो एठू ऐतिहासिक झर्रा प्रदर्शन कार्यक्रम रखल गेल बा ओहमे कुछ पुराना सांस्कृतिक कल्चर हमारे वह में प्रस्तुत करल जाए आ में हम के मेला के मूल उद्देश्य उहे हो। हाँ तो इसे इतना अगर हमने देखा जाता कार्यक्रम
संस्कृति सरोवर और ये कार्यक्रम रहे कि हमन के समाज के विकृति विसंगति हटा के साथ में हमन के जो न पहले से चलता आयल शासन और हमन के संस्कृति कैसे अलोप हो से बचा सके ये शब्द में चर्चा कर जाते ऐसे अभी संग्री छात्र हमन के पूर्ण विश्वास बा और आज हम अतिथि बाटे कलम बहादुर चौधरी तिलोत्मा नगर पालिका 10 में अवस्थित गरिमा टोल विकास संस्था ब्यौरा के अध्यक्ष हमारे वहाँ से के बातचीत कर जात बा और आज विशेष करके हमन के जो तजिया यानी कि मोहर्रम मेला कहाल जात इस संबंध में चर्चा कर जात बात अब भी संगी साथ रहा जी तो वैसे हमन के जो बिहान मोहर्रम पर्व यानी कि मंगल के दिन ये भाद्र 24 गते मोहर्रम जो मेला कहाल जात बा भव्यता के साथ सम्पन्न हुई तो वैसे हमन के अब हरेक जो खिचड़ी कहाल जा या हमन के दीपावली कहाल जा दसई कहाल जा नागपंचमी कहाल जा हरेक जगह में मनात बाटे बकिन का एक ठो जौन मोहर्रम मेला हरेक जिला में कौन भी जिला में हमरे सब जगह में देखे के ना पाल जी यानी कि देखे पाल जी तब जिला में एक जगह या जिले में ना देखे मिला एक ठो बिहान बढ़िया से समापन हुई सम्पन्न के हमारे विश्वास बा ते जौन ये मोहर्रम मेला कहाल जा अब और कार्यक्रम और हमन के चार पर्ते भिनी से शुरुआत करने ते ई एक अब कैसन एक विधि बा अब भिनी से व्रत बैठक के हो कि कौन रूप से मनाने थे एक विधि भी बा जैसे प्रत्येक सबके पूरे गांव के अथवा पूरे टोल के अथवा पूरे एरिया के में जे आस्थावान बा जैसे कोनो मंदिर के पुजारी रहने जैसे कोनो भाकल कैले बा मनौती कैले बा उ व्यक्ति ओके बनाई आज एकर चौकी बहरिया ना हो तो उ निराजल बैठी हाथी चौकी कहाँ गिरते हैं हमने के दर्शक बाटे अब कहाँ के अब कितना जने बाटे कि जहाँ तजिये के मेला नहीं मनात बाटे जहाँ नव नव अब कहा जा कि उस क्षेत्र में तजिये मेले नहीं होला ये मोहर्रम मेला नहीं पड़ला नहीं देखले बाटे तो कहाँ के खातिर जिस चौकी बहरिया कहाँ गिरते अब हमरे कैसन के जानकारी दे सकल जी कि चौकी बहरल कल की जैसे वास्तव में का हो अमन के नेपाल में पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली तक के तराई बेल्ट में एकर लगभग जानकारी बा आज से लगभग 30 वर्ष पहले एकर सब पूरा पूर्व मेची से महाकाली तक के पूरे तराई वासी के ही चीज मालूम रहे अब ये कुछ नया आधुनिकता के कारण कुछ लोग एक एठू चलन चलती अनुसार ई नाई हो कुछ एकर वैल्यू महत्व नाई बा कह के ऊ बुझाई बा लेकिन सब जगह नाई बा एकर जैसे हमरे यहाँ अपने एकर महत्व बुझल जाता एक जैसे अब पहले मीडिया नाई रहे और कुछ नाई रहे ऐसे हमन के ओकर व्यापक प्रचार प्रसार नाई हो पैलस अब लेकिन हमें विश्वास बा आशा बा कि ई हमन के जो अंतर्वार्ता से मन के ढेर यहाँ से पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली तक के सबके जानकारी हो सकला जैसे चौकी कहले के का हो अब एक ठो जगह हो स्थान हो चौकी के मतलब स्थान वहाँ पर बाबा जी के तजिया के जो मूर्ति बनाला वो के बाबा जी कहल जाला बाबा के उ जगह पर रखल जाए वे वो चौकी वो के स्थान हो वहाँ से उनके पूजा पाठ कई के अपन नियम अनुसार कई के तब अगले दिन जैसे आज रात के 8 बजे चौकी बहरी हैं और बाजा गाजा के साथ में पूरा एकदम गाना गीत मनोरंजन बाजा गाजा और तजिया सब फूल बतासा छीट के ओकर स्वागत करी हैं एक बार जो 8 बजे खाल गिल ते कर जिसे अब 8 बजे पहले यानी कि 8 बजे के पास से का ही नहीं होला तो कुछ कारण नहीं जैसे के कारण का बा जैसे आदमी के भी अपन एठू ये टाइम हो कही के नहीं वो अपन सुविधा अनुसार से टाइम सुविधा जैसे अमन के एठू का बा ये फातिया कहान है मुस्लिम में जो मुहर्रम के मुस्लिम समुदाय में जो फातिया होला उन्हें फातिया सब जगह ही नहीं पहुँच पाई तो एक के दाई नहीं पहुँच पाई तो आज ब्योरम होता बिहान मैनावा में और जगह में तो एक एक कई के रोटेशन से करी तो जैसे ब्योरा में 8 बजे भइल तो सेमरा में 9 बजे हो सका भतिया काल के हमरे एक पुजारी के बुझा पुजारी पुजारी कह के हमरे बुझे पड़ल हाँ तो वैसे इतना करी हमरे देखा जात बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर साथ में हमन के कैमरा पर्सन बाटे नारायण ओकर साथ में हमन के आज के अतिथि बाटे कलम बहादुर चौधरी जो उनकी गरिमा टोल विकास संस्था के अध्यक्ष होने और साथ में
ठीक बिहान 24 गते यानी कि है बाद 24 गते मंगर के ब्यौरा में भव्यता के साथ मोहर्रम मेला हो जात बा, उस संबंध में जानकारी लहल जात बा। ते वैसे हमारे के जो मोहर्रम मेला विधिवत रूप से बिहान सम्पन्न हुई, ते अब एक साथ में जो हमारे के ओमा कौन कौन चीज ऐसा रखल गल बा कि हमारे के जो दर्शक बाटे और मनोरंजन ले सक। जैसे अमन के बिहान के मेला के लिए पहला अमन के एठू खेलकूद वॉलीबॉल के खेलकूद के आयोजना भइल बा। कुछ दर्शक लोगन के मनोरंजन भी चाहला। मेला कहल के का हो एठू आस्थावान कितना कितना मनई ओमे व्यापार बिजनेस करे के हिसाब से अहें, कितना मनोरंजन के हिसाब से अहें, कितना मूर्ति के आस्था अपन लेके आई हैं, तो ई सबके एक ठू समष्टिगत रूप में हमरे सबके लिए व्यवस्था कैल गई। वहाँ हर एक दुकान मिठाई पसल वाला सब रही हैं व्यवस्थित कहके। खेलकूद मैदान में वॉलीबॉल दर्शक लोग वॉलीबॉल देखिए, और जो पुरान अपन महिला पुरुष जौन पूरा की इच्छा रहे कि ऐतिहासिक झर्रा हम के लोप हो जाता, ई झर्रा के कैसे हमरे फिर पुनर्बहाली करल जा, वो हिसाब से हम के टू झर्रा ऐतिहासिक लियानल गई बा। ओमे अपन प्रदर्शन कई के उन्हन के पूर्ण रूप से संतुष्ट करे के सकल जे कह के हम के अपेक्षा बा। ये हमारे के गरिमा टोल विकास संस्था के एठू उद्देश्य। हाँ, तो वैसे जो गरिमा टोल विकास संस्था अब इससे पहले अब एक समाज विकास के क्रम में कौन कौन ऐसा काम करता है चेतनामूलक कुछ कार्यक्रम से चेतना। अब अमान के गांव अमान के तिलोत्तमा नगर पालिका के एठू नारे बा ग्रीन तिलोत्तमा क्लीन तिलोत्तमा। वो परिभाषा के हमरे अनुसरण करत अपन टोल टोल में अपन गांव में प्रत्येक महीना के एक गते और 15 गते सब गांव के सर सफाई अभियान जन चेतना सबके हमन के सर सफाई करे के अनिवार्य बा। रोग फोहर से होला, सर सफाई जितना हमन के करल जे हमन के गांव सफा रही, सभ्य नागरिक के परिचय हुई, वो हिसाब से हमरे एठू टोल एक गते और 15 गते महीना के सर सफाई करल जाला। एकर बाद में निर्माण संबंधी जैसे बजट आ गई ओके कौन तरीका से परिचालन थोड़े बजट बा ओके पूर्ण रूप से परिचालन कहके कालो पत्रे नाली पुल पुलेसो मठ मंदिर कौन कौन चीज में का करे बा टोल विकास संस्था अगुवाई कराला। एकर बाद में योजना लाने के कौन योजना हम के लिए आनल जा सबसे प्रभावकारी हुई उस हिसाब से हम के अब चलल जाता। सर्वप्रथम तो हम के सर्वे कैल गेल ये टोल के कितना घर धूरी बा के कृषि पेशा में बा के व्यापार बिजनेस में बा के नौकरी में बा कितना पढ़ल लिखल बाटे ये सब के हम के ठू डाटा मोटा मोटी तय कह के उ हिसाब से एक ठू पहचान कह के आगे बढ़े के प्रयास कैल जाता। हाँ, ते एकर साथ में जो हमन के बिहान मोहर्रम मेला आपके वहाँ लगभग करी, ते ओकर साथ में जो अब कितना बजे से कैसन कैसन उससे पहले कुछ कार्यक्रम रखल गई बा कि हमन के एक पारी 3 बजे मेरा मोहर्रम शुरू हुई। नहीं, सुबेरे से कार्यक्रम में जैसे वॉलीबॉल खेलकूद 8 बजे से बा हमन के 8 बजे के माने 12 बजे 2 बजे तक ले हमन के वॉलीबॉल कार्यक्रम रही। एकर बाद में 3 बजे औपचारिक कार्यक्रम हम के करे के योजना बा। हाँ, ते अब अंतिम में जो हमारे के दर्शक बाटे ओखन के खरतिन अब बिहान जो मोहर्रम मेला बा एकर संबंध में कुछ कहे चाहल जी। अब हम संपूर्ण मेला दर्शक मेला अवलोकन करे वाला संपूर्ण जन समुदाय से यह अपेक्षा बा कि हमन के जो एठू कार्यक्रम कैल जाता तजिया मोहर्रम मेला के उपलक्ष्य में जो हमन के आयोजना कैल गईला पूर्ण रूप से सफल होई, और ये हमन के असल उद्देश्य से रखले के कारण सब मिला जितना दर्शक आई हैं उनरे एठू पाठ सीखी हैं कह के हमार अपेक्षा बा पूर्ण रूप से सफल होई। हाँ, तो इसे आप कार्यक्रम में सुने आपके आके अमूल्य विचार दिल के करते हैं आपके धन्यवाद देख चल जाता। हमारे ओर से संपूर्ण
विशेष कही के राज चौधरी सर के और नारायण सर और ये बुद्ध टेलीविजन के संपूर्ण परिवार के भी हम नमस्कार और हमें दुई शब्द अपन विचार व्यक्त करे के जो अमूल्य समय मिलल बा ओके हम पूर्ण सदुपयोग करत हम पुनः सबके धन्यवाद दिहल चाहत। हाँ, तो उसी गति हमरे देखल गल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर ते वैसे हमन के कैमरा पर्सन नारायण उनके विशेष धन्यवाद। ऐसे हमन के आज के अतिथि कलम बहादुर चौधरी गरिमा टोल विकास संस्था के अध्यक्ष और साथ में बिहान जोन तज्य मेला भवित के साथ यानी कि मोहर्रम मेला लगे जात बा ब्यौरा में इस संबंध में जानकारी अदाना वहाँ के भी धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम आप देखल गल ऐसे धन्यवाद और देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन का हाथ हम संचालक राज भी आपसे विदा होती। नमस्ते।